मैं आपको कुछ एमसीडी के हालात आपको बताता हूँ। एमसीडी इतने बुरे हालात में क्यों है, वो दिल्ली वाले उसकी जिम्मेदार नहीं है। हम दिल्ली वाले तो उनको बहुत पैसा देते हैं, बहुत टैक्स देते हैं, लेकिन आपकी एमसीडी, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी क्या करती है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। एलजी साहब, आप पता कर लेना, अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आप जिम्मेदार हैं, अपने अधिकारी से पूछ लेना, अपने कमिश्नर से पूछ लेना कि डेंगी की दवा का जो छिड़काव होता है दिल्ली के अंदर, वो किस रेट पे एमसीडी ने खरीदा। वही दवा इन्होंने 3600 रुपए के हिसाब से खरीदा, जबकि वही दवा भोपाल की म्यूनिसिपैलिटीज ने सिर्फ 2400 रुपए के हिसाब से खरीदा। पर केजी के हिसाब से इस लेवल का करप्शन किया इन्होंने। आपके कूड़े के मशीन की सफाई के लिए ट्रॉमर मशीन खरीदी गई, जिसका रेट 17 लाख रुपए मार्केट में उसका रेट है, लेकिन आपकी एमसीडी, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी, उसी ट्रॉमर मशीन के लिए 19 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से किराया दे रही है 3 साल के लिए। करोड़ों रुपए का करप्शन यहाँ पे हुआ। बच्चों की किताब खरीदने में करप्शन हुआ, हाउस टैक्स इकट्ठा करने में करप्शन हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन की सूची तो बहुत लंबी हो जाएगी, आपकी भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने दिल्ली के गांधी मैदान पार्किंग की जगह बेच दी, शिवा मार्केट पार्किंग की जगह बेच दी, कुतुब रोड पार्किंग बेच दी, नावल्टी सिनेमा बेच दी, नानीवाला बाग बेच दिया, मोतीनगर की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बेच दी, 22 दुकानें जो हैं डिलाइट सिनेमा के पास है उसको बेच दिया, 132 प्लॉट जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में थे उसको बेच दिया, 5 पार्किंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो करोल बाग में थे उसको बेच दिया प्राइवेट लोगों को, शालीमार बाग के स्कूल की पार्किंग की जगह बेच दी, 34 स्कूल बिल्डिंग जो कि कोचिंग सेंटर्स को बेच दिया इन्होंने, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो नर्सिंग होम्स हैं उसकी जो वेकेंट जगह थी वो बेच दी, टाउन हॉल जो कि दिल्ली का प्रेस्टीजियस हेरिटेज बिल्डिंग है उसको बेच दी, और जो हॉस्पिटल है आरबीटीबी, उस हॉस्पिटल की वेकेंट जमीन बेच दी। और आप दिल्ली वालों को कह रहे हैं दिल्ली वाले चोर हैं। एलजी साहब, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बिहेव मत करिए। आपको भगवान ने एक बड़ी जिम्मेदार पद पे बिठाया है, आप दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह नहीं बिहेव करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले दिन रात दिल्ली वालों को गाली देते हैं, दिन रात दिल्ली वालों को गाली देते हैं, उनको कहते हैं तुम्हारी झुग्गी तोड़ देंगे, तुम्हारी अनऑथराइज कॉलोनी तोड़ देंगे, तुम्हारी बड़ी बड़ी कोठियां हैं जिनके छज्जे बड़े हैं वो तोड़ देंगे। दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली वालों को गाली देते हैं। आपने भी गाली देना शुरू कर दिया, आपने भी दिल्ली वालों को चोर कहना शुरू कर दिया। सर, दिल्ली में जो व्यक्ति रहता है कम से कम 12 से 14 घंटे डेली काम करता है, 8 से 10 घंटे तो नौकरी में लगाता है और कम से कम 2 से 3 घंटे उस नौकरी वाली जगह पहुंचने में लगाता है, मेट्रो से जाता है। आप सुबह उठिए जरा एक बार, आप अपनी लाव लश्कर से बाहर निकलिए, आप देखिए बस स्टैंड पे वो दिल्ली वाला खड़ा है, मेट्रो पे वो दिल्ली वाला खड़ा है, और बस वो एक ही चीज़ आपसे चाहता है कि उसके घर का सामने का कूड़ा उठ जाए, उसकी नाली साफ हो जाए, उसको हाउस टैक्स जब समय पे देने जाए तो उसको कोई दिक्कत ना आए, वो अपना घर बना रहा है तो उसको बिल्डिंग का पैसा कोई मांगने ना आए, और आप उस दिल्ली वाले को चोर कह रहे हो। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है एलजी साहब, आपको इसके लिए दिल्ली वालों से माफी मांगना चाहिए। आप दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, ऐसी भाषा आपको शोभित नहीं देती, ऐसी भाषा आपको शोभा नहीं देती, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, और आपको इस तरह की भाषा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दिल्ली वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे।